आज ना पार्टी करने चलेंगे। अरे एक्सक्यूज मी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड को टच करने की? भाई ही मेरे। अरे मैं कौन सा भाई हूँ तेरा, मैं तो तुझे जानता भी नहीं हूँ, चल निकल यहाँ से। भैया आप ये कैसी बातें कर रहे हो, अपनी बहन को नहीं पहचान रहे? अच्छा भैया बोल रही है, मुझे तो नहीं लगता ये कोई भैया भैया है, मुझे तो लगता है तू इसकी एक्स है, कहीं ये तेरा सैया तो नहीं है? अरे मैं तो इसे जानता भी नहीं हूँ। भैया इसने इतनी गलत बात बोल दी हमारे रिश्ते के बारे में, अब भी आप झूठ बोल रहे हो? जैसे तू हरकतें कर रही थी लोग तो गलत सोचेंगे ही ना। मैं तो अपने भाई को ही गले मिला रही थी, बस मुझे खुशखबरी देने दे, और देखते ही मैं रह नहीं पाई। अच्छा ऐसी कौन सी बहन होती है जो अपने भाई से गले मिलने के लिए इतनी उतावली होती है, झूठ बोल रही है मुझसे? अरे नहीं आप गलत समझ रहे हो, भाई बहन का रिश्ता तो वैसे ही पाक साफ होता है, उसके इरादे कैसे गलत हो सकते हैं? ये ना फिल्मी डायलॉग्स मत मार, मुझे सब पता है, यहाँ पे इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहती है मुझे। मुझे लग रहा है ना तुम दोनों का कुछ चल रहा है, जल्दी जल्दी शीनू जल्दी बताओ ये कौन है? अरे नहीं नहीं सच में ये मेरी बहन ही है, ये ना बहुत वियर्ड है इसीलिए मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था। ये तुम्हारी बहन है, ये तुम्हारी रियल सिस्टर है, ये किस एंगल से तुम्हारी सिस्टर लग रही है? इसकी शक्ल देखो और अपनी शक्ल देखो, ये कहां काली कलूटी, और हाँ ये क्या गेटअप रख रखा है इसने, हरे के साथ पीला कौन पहनता है? अरे नीचे चप्पल देखो व्हाइट ब्लैक, ये तुम्हारी सिस्टर है, मुझे तो लगता है ना ये झोपड़पट्टी से उठ के आई है कहीं से, ये तुम्हारी सिस्टर हो ही नहीं सकती। तुमको देखो और इसको देखो, तुम्हारा लुक देखो, तुम क्या बोल रही है, क्या मजाक कर रहे हो मेरे साथ? अरे वही गाँव से आई है ना, गाँव में रहती है, वही पढ़ लिखती है इसीलिए थोड़ी ऐसी है। भाई आप ये कैसी बातें कर रहे हो? तू चुप रह, बेइज्जती करवा दी मेरी गर्लफ्रेंड के सामने मेरी। शीनू या तो तुम इसे चूज कर लो या मुझे चूज कर लो, अगर ये तुम्हारे साथ आज के बाद दिखी ना तो मैं तुमसे पक्का ब्रेकअप कर लूंगी, मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी, पता नहीं गवार जैसी कहां से आ गई है उठ के। नहीं नहीं मैं इससे बात भी नहीं करूंगा, प्लीज तुम उससे दूर रहियो, चल अब चली जाए यहां से। भाई दो दिन की आई लड़की के लिए आप अपनी बहन से रिश्ता तोड़ दो? क्या बोल रही तू, दो दिन की आई लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की? तू ना अपनी औकात में रह, आई बात समझ में? भाई अब भी आप कुछ नहीं बोलोगे, इसने आपकी बहन पे हाथ भी उठा दिया। अभी तो सिर्फ मैंने हाथ उठाया, अगर मैंने अपने पैर चलाने शुरू करे ना तो तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगी यहाँ पे, तू मुझे जानती नहीं अभी। तू ना अपनी जुबान बंद रख, समझ में आई? एक लफ्ज भी अपने मुंह से बोला ना तो दूसरा चपेटा मारूंगी अच्छे से तेरे गाल पे। कैसी बहन है ये तुम्हारी? मुझे क्या देख रही है तू, सुनने के लायक है? तुझे जब पता है कि यहाँ पे मेरे साथ कोई है तुझे हक करने की क्या जरूरत थी? पागल इंसान अब चली जाए यहाँ से, थोड़ी सी भी शर्म बाकी हो तो। मुझे लग रहा है ना शीनू ये हम दोनों के ना रिश्ते पे दरार पैदा करना चाहती है, तभी तो तब से यहीं पे खड़ी है। अरे मंदबुद्धि चले जाए यहाँ से, नहीं तो मैं खुद चले जाऊंगी इसकी लाइफ से। मैं ऐसा क्यों चाहूंगी, अपने भाई का घर पर बात करना, और मैं तो आपसे अभी 10 मिनट पहले मिली हूँ, उससे पहले ना मैंने आपको देखा है ना मैं आपको जानती हूँ। मिली तो मिली, इस तरह से गले कौन मिलता है? भाई बहन का झूठा नाटक कर रही है तू, मुझे तो शक हो रहा है तुम दोनों पे, गांव की बहन है या कुछ और है ये? शीनू अगर ये तुम्हारे साथ रही ना तो मैं तुम्हें अभी के अभी छोड़ दूंगी, इसको यहाँ से जाने को बोलो फटाफट से। अरे नहीं नहीं तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, चू मेरा घर पर बात करने पे तुली हुई है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि हम साथ हैं, फिर भी आके हक करना है ना? पता नहीं कैसी बहन है, चिपटती रहती है हमेशा, तुझे कितनी बार मैंने बोला ना मेरे से इतना मत चिपका कर। आप ये कैसी बातें कर रहे हो? बिल्कुल सही बातें कर रहा हूँ मैं, तेरे में दिमाग नाम की चीज होती ना तब तुझे समझ आता, दिमाग तो है नहीं, फैशन सेंस भी नहीं है, बिल्कुल ऐसी सी बन के आ गई, नाक कटवा दी मेरी। तुझे शहर आने के लिए बोला किसने था? तू गांव में पढ़ लिख रही थी, अच्छा चल रहा था तेरा, पैसे भेज रहा था मैं, तो यहाँ आई क्यों तू? भाई बहुत ही अच्छी खबर थी जो कि मैं मिल के देना चाहती थी आपको, और कुछ नहीं। अच्छा कौन सी खबर थी? मुझे पता है जरूर तेरी किसी नेपाली के साथ शादी फिक्स होगी होगी, ये सुनाने के लिए आई है ना तू? नहीं नहीं इससे भी बड़ी खबर थी, आप भी सुनोगे ना तो आप भी मुझ पे गर्व करोगे। अच्छा मुझे पता है इसका क्या हुआ होगा, कहीं रेडी वेडी लगाने के लिए कोई जगह तो नहीं मिलगी, सब्जी का ठेला तो नहीं खोल लिया तूने? नहीं नहीं आप ना गलत समझ रहे, और आप हम दोनों भाई बहन के बीच में क्यों बोल रहे हैं, हमें बात तो करने दीजिए। तो अब तू बताएगी कि हमें किसके बीच में बोलना चाहिए और किसके बीच में नहीं? अबे क्यों मेरी लाइफ बर्बाद करने पे तुली हुई है, तुझे एक बार बोला ना निकल जाए यहाँ से, जा रही है कि नहीं? अरे क्या हुआ, मिल ले अपने भाई से? हाँ काश मिल ले। तुम कौन हो? ये मेरा बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड है? तेरा एक्स है ना ये? हाँ। तूने इसको छोड़ के और अब तू मेरी बहन के पीछे लग गया, अबे चाहता क्या है, मेरी लाइफ से जाता क्यों नहीं है तू? भा...
भाई आपको कुछ गलत लग रहा है, आकाश ने किसी को धोखा नहीं दिया है, आपको पूरी बात पता भी नहीं है। ओ हेलो, मुझे सब पता चल गया, तो तू मेरा घर बर्बाद करना चाहती है, हैं? मुझे सब समझ में आ रहा है, तेरी जैसी औरतों को ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। बस करो, और कितना झूठ बोलोगी, मैंने तुम्हें छोड़ा है। अरे अगर सच बोल कर रिश्ता निभाया होता ना तो बहुत लंबा टिकता, और इसे भी सच नहीं बोला ना तुमने पूरा कि तुम्हें किसने छोड़ा है। तुम्हें मैंने नहीं छोड़ा, बल्कि तुमने मुझे छोड़ा है। तुम्हारे खर्चे इतने बढ़ गए थे, फालतू के खर्चे, हफ्ते में दो बार तुम्हें मूवी देखनी है, इधर जाना है उधर जाना है, फालतू की शॉपिंग, गाड़ियों में घूमना है तुम्हें, तंग आ गया था मैं तुम्हारी वजह से। क्या ये सच बोल रहा है? अबे ये कुछ भी बोल रहा है, आप इस पे विश्वास कर रहे हो? ये दो कौड़ी का इंसान मुझे शॉपिंग पे लेके जाएगा? दो कौड़ी का इंसान, बिल्कुल सही कहा तुमने, मैं दो कौड़ी का इंसान था तभी तुमने मुझे छोड़ा था ना, क्योंकि मैं तुम्हारे लायक नहीं था, खाली ऊपर से देखने में मैं तुम्हें अमीर लगा, जब तुम्हें मेरी हकीकत मालूम पड़ी कि मैं तुम्हारे खर्चे नहीं उठा सकता तो तुमने इस दो कौड़ी के इंसान को छोड़ दिया। रहने तो आकाश, किसे समझा रहे हो, जो लड़की हमेशा पैसों पे मरती आ रही है, और भाई आप कह रहे हो मैं आपका घर बर्बाद कर रही हूँ, घर तो ये खा रही है, इस लड़की ने भाई बहन के रिश्ते को भी बदनाम कर दिया। तुम ना अपना मुंह बंद रखो। तुम रखो। सॉरी बहन, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसके प्यार में मैं अंधा हो चुका था, और मैंने तुझसे बहुत बहुत बदतमीजी से भी बात की, प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा, और मैं इससे तो मैं बात भी नहीं करूंगा कभी, प्लीज मुझे माफ कर दे। शेनू तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम इस दो कौड़ी के इंसान के ऊपर भरोसा कर रहे हो, और अपनी बहन पर जो कल ही गाँव से आई है इसको क्या ही पता है? मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, और उसे सब पता है, कम से कम वो मेरा घर तो बर्बाद नहीं कर रही, तू कल उसके साथ थी, आज मेरे साथ है, मुझसे कोई अच्छा मिलेगा तो उसके साथ भी हो जाएगी, प्लीज बहन मुझे माफ कर दे, मैं अब समझ चुका हूँ कि क्या सही है और क्या गलत है। ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड का घर बर्बाद करने नहीं आई थी, बल्कि जो गुड न्यूज देने आई थी ना वो तो तुमने सुनना भी जरूरी है। मुझे पता है क्या गुड न्यूज है, प्रेग्नेंट हो रही होगी, और क्या करो तुम लोग, कुछ भी बोले जा रही हो, अरे एक लड़की हो ना, दूसरी लड़की की इज्जत करनी नहीं आती क्या तुम्हें? उसने आईएएस के एग्जाम्स क्लियर किए हैं, उसी चीज की गुड न्यूज देने आई थी वो तुम लोगों को, लेकिन तुम्हें सुनना ही नहीं था, और मैं उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं हूँ, वो बस तुम्हारा टेस्ट ले रही थी कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम सकते हो, तो वो अगर अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमेगी तो तुम्हें कैसा लगेगा, तुम्हें भी गुस्सा आया ना, तो उसे भी गुस्सा आता होगा कि तुम कैसी कैसी लड़कियों के साथ घूमते हो और किसी को भी अपनी गर्लफ्रेंड बता देते हो, दोस्तों में उसका एक अच्छा बस। अरे बहन तू तो बहुत तरक्की कर चुकी है, प्लीज मुझे माफ कर दे, तू तो जानती है मुझसे गलती हो गई, और तू इतनी अच्छी है, मुझे पता है मुझे माफ कर ही देगी, चले। कोई बात नहीं भाई, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए उसे भूला नहीं कहते, और ऐसी लड़कियों से बच के रहो, मैं यही कहूंगी, चलो।